गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू है। तो अब हम हमारा एनुअल पोर्शन शुरू करेंगे। अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 14 निकालिए। आज हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नाम है लकड़ी का घोड़ा। रीडिंग शुरू करते हैं। ट्राय देश में पेरिस नाम का एक राजा राज्य करता था। ट्राय एक देश का नाम है, वहाँ एक राजा है, वो राजा का नाम है पेरिस। वह बड़ा वीर था। एक बार उसने अपने पड़ोसी देश यूनान पर चढ़ाई कर दी, मतलब उसने अपने पड़ोसी देश यूनान पर आक्रमण कर दिया। यूनान के राजा मेनेलस, यूनान के राजा का क्या नाम है, मेनेलस, ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया, पर दुर्भाग्य से वह हार गया। पेरिस ने यूनान की राजधानी को खूब लूटा और यूनान की रानी हेलेन को उठाकर ट्राय ले आया। हेलेन कौन थी? यूनान के राजा मेनेलस की पत्नी, जिसे ट्राय देश का राजा पेरिस उठाकर ट्राय देश ले आया। फिर उसने हेलेन से विवाह भी कर लिया। इस हार से यूनानियों को बड़ा धक्का लगा। ट्राय वाले उन्हें हराकर उनकी रानी को भी उठा ले जाएं, इससे अधिक अपमान की बात और क्या हो सकती थी। इसलिए उन्होंने ट्राय पर चढ़ाई कर अपनी रानी को चुड़ा लाने का संकल्प कर लिया। मेनेलस कौन है? यूनान का राजा। उसने अपनी सभी बड़े बड़े सरदारों और अनुभवी सेनापतियों को बुला भेजा और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ट्राय तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया गया। फिर एक विशाल सेना के साथ वह ट्राय की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद यूनानी बेड़ा यानी यूनानी जहाज ट्राय के पास समुद्र के किनारे जा लगा। यूनानी सेना को आते देख ट्राय वालों ने नगर की दीवार के सारे फाटक बंद कर दिए, यानी सारे गेट बंद कर दिए। पेरिस अपने सैनिकों को लेकर, पेरिस कौन था? ट्राय देश का राजा। वह अपने सभी सैनिकों को लेकर नगर की दीवार पर चढ़ गया और वे वहीं से यूनानियों पर तीर बरसाने लगे। फाटक बंद देख यूनानियों ने नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया, मतलब वो दीवार के चारों ओर ही रुक गए। वे जगह जगह से दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दीवार पर चढ़े ट्राय के सैनिकों ने उनके मंसूबों यानी इरादों पर पानी फेर दिया। ट्राय वाले नगर की चार दीवारी में बंद जरूर थे, लेकिन उन्हें वहां सब तरह की सुविधाएं थीं। नगर में पानी के गहरे कुएं, तालाब थे और वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। इसलिए वे हिम्मत से आक्रमणकारियों का सामना करते रहे। ट्राय वाले चार दीवारी में जरूर बंद थे, लेकिन उन्हें वहाँ किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। सभी सुख सुविधाएं थी उन्हें, जैसे पानी, खाना पीना, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। यूनानी भी यही संकल्प करके घर से चले थे कि वे ट्राय वालों को हराकर अपनी रानी को छुड़ाकर ही घर लौटेंगे। बिना ट्राय को जीते और अपनी रानी हेलेन को छुड़ाए वे घर वापस जाकर कैसे मुंह दिखाते। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अब देख इस बात को, 10 साल बीत गए। अंत में जब किसी तरह भी ट्राय की दीवार
न टूटी और यूनानी नगर के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ट्राय वालों को बुद्धि के बल से हराने का निश्चय किया। जब उनसे 10 साल में भी वह दीवार नहीं टूटी तो उन्होंने ट्राय देश वालों को बुद्धि के बल से हराने का निश्चय किया। एक दिन ट्राय वालों ने देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को या अपने टेंटों को उखाड़ रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब यूनानी सैनिक अपने जहाज़ों में बैठकर चल पड़े तो ट्राय वाले खुशी से उछल पड़े। वे नगर की दीवारों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, भाग गए यूनानी, भाग गए। थोड़ी ही देर में यूनानी बेड़ा यानी यूनानी जहाज आंखों से ओझल हो गया यानी छुप गया। ट्राय वाले खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने नगर का फाटक यानी नगर के गेट खोल दिए और उछलते कूदते बाहर आ गए। छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने दीवार के बाहर फैले हुए लंबे चौड़े मैदानों और समुद्र के दूर से ही दर्शन किए थे, किलकारी मारते हुए बाहर निकल आए। वह आज़ादी की खुशी थी। वह 10 साल से उसी चार दीवारी के अंदर बंद थे। बाहर निकलकर कुछ लोगों ने देखा कि समुद्र के किनारे एक घोड़ा खड़ा है। वे उधर दौड़े, पास आकर देखा तो वे हैरान रह गए। एक आदमी आश्चर्य से बोला, अरे यह तो लकड़ी का है। किसका घोड़ा है? लकड़ी का। दूसरे ने हंसते हुए कहा, लकड़ी का घोड़ा? तो यूनानी लोग हमारे बच्चों के लिए यह खिलौना छोड़ गए हैं। यह तो बहुत अच्छी भेंट है, यानी यह तो बहुत अच्छा उपहार है। इतने में कुछ और लोग भी आ गए। लकड़ी के घोड़े को देखकर सभी हैरान थे। कोई उसे आगे से देखता तो कोई पीछे से, यानी उस घोड़े को, उस लकड़ी के घोड़े को सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। कोई उसे आगे से देखता है तो कोई उसे पीछे से देखता है। सब बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा उपहार है। भाइयों, इसे नगर में ले चलो, इससे हमारे बच्चे खेलेंगे। सब लोग लकड़ी के उस घोड़े को खींचते हुए नगर के अंदर ले आए। शाम होने पर सारे नगर में रोशनी की गई। राजमहल में सैनिकों को दावत दी गई। बहुत रात गए लोग नाच गाने में मस्त रहे। अंत में थककर निश्चिंत होकर सो गए। वर्षों के बाद उन्हें ऐसी मीठी नींद नसीब हुई। ट्राय वाले सोए हुए थे पर घोड़े के पेट में बैठे सैनिक जाग रहे थे। लकड़ी के घोड़े के अंदर सैनिक छुपकर बैठे हुए थे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि सब लोग सो गए हैं तब वे बाहर निकले और चुपके से जाकर नगर का फाटक खोल दिया। उधर अंधेरा होते ही यूनानी बेड़ा वापस आ गया था और यूनानी सैनिक नगर की दीवार के आसपास छिप गए थे। जब घोड़े के अंदर छिपे सैनिकों ने फाटक खोल दिया तो यूनानी सेना ट्राय के सोते हुए लोगों पर टूट पड़ी। जब तक ट्राय वाले सावधान होते, यूनानियों ने सारे नगर पर अपना अधिकार कर लिया। मेनेलस, जो यूनान का राजा था, और उसके सैनिकों ने राजमहल में घुसकर पेरिस
जो ट्राई देश का राजा था पेरिस, उसको मार डाला। यूनानियों ने ट्राई को खूब लूटा, उन्होंने अपने अपमान का भरपूर बदला लिया। फिर वे हेलेन को लेकर खुशियां मनाते हुए अपने देश यानी यूनान वापस लौट गए। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको घर पे अच्छे से रीडिंग करना, 3-4 बार अच्छे से पढ़ना। फिर कल हम इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखेंगे।